सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका कार यूनिवर्सिटी की एक नई वीडियो में। आज आपके सामने टाटा नेक्सॉन का नया फेसलिफ्ट वर्जन है। देखने में ये बहुत ज्यादा प्रीमियम फील करवाता है, जितना देखने में है उससे कई ज्यादा ये लग्जरी फील करवाता है इंटीरियर वाइज। तो इसका इंटीरियर देखने के लिए वीडियो पूरा देखिए और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हालांकि ये इसका टॉप एंड वेरियंट नहीं है, सेकेंड टॉप वेरियंट है ये फियरलेस एस ड्यूएल टोन पेट्रोल मैनुअल। इसकी एक शोरूम प्राइस है 13 लाख रुपए। ऑन रोड प्राइस जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो और सीधा ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में और ऑफर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जान लेते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। तो इसकी लेंथ है 3995 mm, ये सब 4 मीटर में आती है, तो उसके हिसाब से पूरी लेंथ यहाँ पर कवर की है। वो 1804 mm का विड्थ है, मतलब सेगमेंट में अच्छी खासी चौड़ी एक गाड़ी मिलती है। तो ये 1804 mm विड्थ वाइज है। व्हील बेस भी इसका 2494 mm का इसका व्हील बेस है। 208 mm का यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस क्लेम करती है कंपनी, जो कि पहले 209 था, अभी 1 mm 0.1 mm कुछ कम हुआ है, लेकिन उसके कारण कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बहुत अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है, आप लगभग देख सकते हो कहीं पे भी ये सर्वाइव कर सकती है। तो गाड़ी के थोड़े रियर लुक्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कनेक्टेड आपको इसकी टेल लाइट्स देखने को मिल जाती है, जो कि LED में है। अगेन आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, और इसकी जो टेल लाइट्स है वो पहले जो इसका नेगेटिव पॉइंट हुआ करता था पॉजिटिव बन चुका है, क्योंकि बहुत ही अच्छी लुकिंग वाइज ये इसकी टेल लाइट्स है। लोगो भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि क्रोम में है ऑब्वियसली, और उसके नीचे आपको रियर पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाता है। पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर 2 मिल जाते हैं आपको बम्पर पे, और नेक्सॉन कुछ इस तरह से यहाँ पर बैज किया गया है। डिफॉगर्स भी यहाँ पर मौजूद है, और इसका जो वाइपर है ना वो भी यहाँ पर हिडन रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो हिडन वाइपर यहाँ पर दिया है वॉशर के साथ, और स्पॉइलर भी यहाँ पर कुछ इस तरह से मैट फिनिशिंग के साथ दिया है। नीचे बम्पर पे आप देखोगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर एंड रिवर्स लाइट की पोजिशनिंग की गई है, और यहाँ पर स्किड प्लेट भी यहाँ पर रियर में सिल्वर कलर में आपको देखने को मिल जाएगी। कई लोगों को लगता होगा कि यहाँ पर वाइपर नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर हिडन वाइपर दिया गया है। पेट्रोल आप यहाँ से फिल करोगे, 44 लीटर का इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। डीजल में इसकी माइलेज 25 की है, और पेट्रोल में 20 की एवरेज ये देने वाली है आपको। फ्रंट में हेडलाइट्स आप देख सकते हो, इसकी पूरी LED हेडलैम्प्स कर दी है, जो कि पहले हेलो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो पहले भी थी लेकिन येलो लाइट के साथ थी, तो अभी ये पूरी LED लाइट सेटअप यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ऊपर DRL है, और यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इसके इंडिकेटर्स ब्लिंक करते हैं, एंड ये ऑन भी देखो आप कैसे होते हैं। हेडलाइट के नीचे ही फॉग लैंप की पोजिशनिंग दी गई है। कई कंपनियां क्या कर रही है कि हेडलैम्प नीचे देने लगी है, तो फॉग लैम्प कॉस्ट कटिंग के मामले में मतलब फॉग लैम्प हटा दे रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर फॉग लैम्प भी आपको मिल जाते हैं, और उसके साथ हेडलैम्प की पोजिशनिंग भी की गई है। और एडिशनल क्या है पिछले नेक्सॉन से, तो यहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी एडिशनल मिल जाएंगे, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो, और यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी आप देख सकते हो। फ्रंट में यहाँ पर कैमरा भी दिया है, जो कि 360 डिग्री कैमराज इसमें मिल जाते हैं। फ्रंट में भी आपको उस तरह की स्किड प्लेट मिल जाती है, जो कि रियर में थी, सिल्वर कलर की यहाँ पर स्किड प्लेट मिल जाती है। यहाँ पर मैंने फॉलो में हेडलैम्प ऑन किए थे, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो चुके हैं, मतलब इसमें कुछ टाइमर वगैरह होगा जिसकी वजह से ये ऑफ हो रहे हैं। साइड में इसके अलॉय व्हील्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि ड्यूअल टोन में है। 215/60R16 इसकी प्रोफाइल है। 16 इंच के यहाँ पर ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। ब्रिजस्टोन का यहाँ पर टायर मिल जाएगा, और ये देखने में कुछ बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर ड्राइवर साइड दिया गया है, देखते हैं दूसरी साइड है कि नहीं। और कुछ इस तरह से इसकी टेल लाइट्स मैंने ऑन कर दिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कनेक्टेड टेल लाइट्स का कुछ इस तरह से लुक आता है पीछे से, जो कि बहुत अच्छा लगता है। इंडिकेटर भी मैं एक बार ऑन करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एंड ये कमाल का लुक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर को पैसेंजर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, खाली आपको ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। चलिए अब क्या करते हैं, इसका इंजन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मिलता है आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 118 bhp एंड 170 nm टॉर्क देता है। तो हाईवे में ये कुल 20 km/h का माइलेज क्लेम करती है कंपनी इसमें। ऊपर नॉइस इंसुलेशन के लिए भी यहाँ पर पैडिंग वगैरह दी है। 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा साइलेंट इंजन रहने वाला है। ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सारे फीचर्स के साथ ये लोडेड है, और बोनेट भी इसका अच्छा खासा भारी है, जो कि इसकी 5-स्टार सेफ्टी को प्रूफ करता है।
पर ओवरियम आप इसका देखोगे तो पूरा पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ इसका ओवरियम देखने को मिलता है। और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर की प्लेसिंग की गई है जो कि एलईडी में है। अगेन मैं आपको इसका ऑन करके दिखाता हूँ इंडिकेटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चाबी के साथ वर्किंग है इसके ओवरियम। मैं लॉक अनलॉक करूंगा तो ये फोल्ड अनफोल्ड होते रहेंगे। उसके नीचे ही कैमरा प्लेस किया हुआ देखने को मिलेगा जो कि 360 डिग्री कैमरा का काम करता है और इसकी क्लियरिटी तो गजब की है। सेगमेंट में सबसे अच्छी क्लियरिटी कैमरा की किसी गाड़ी की होगी तो वो नेक्सॉन की है। ऊपर भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगी जो कि सिल्वर कलर में है और सनरूफ और ड्यूअल टोन गाड़ी है ये, तो रूफ पूरी ब्लैक रहने वाली है। इसकी जो ए पिलर का पार्ट है ये पूरा मैट फिनिशिंग के साथ है और यहाँ से पीछे वाला जो पार्ट है वो पूरा ग्लॉसी ब्लैक में है। यहाँ पर 50 लाख कार्स की बैजिंग मिलेगी आपको जो कि प्रूफ करता है कि इनकी 50 लाख कार सेल हो चुकी है टाटा की अब तक। अब चलिए इसके इंटीरियर में चलते। तो इसका डोर पैनल आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको डोर ओपनर जो है वो क्रोम में मिलने वाला है पूरा। पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पर चारों के चारों मिलने वाले हैं जो कि ड्राइवर साइड ऑटो फंक्शन के साथ है। या ये पैनल जो आप देख रहे हो ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ है और यहाँ पर पूरा लेदर का वर्क किया है जो कि सॉफ्ट टच में है। यहाँ पर ट्विटर की प्लेसिंग की गई है। नीचे स्पीकर भी मिलते हैं हार्मन कार्डन का। इसमें चार स्पीकर और चार ट्विटर का साउंड सेटअप आता है जो कि बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। नीचे यहाँ पर बॉटल होल्डर है। अम्ब्रेला होल्डर भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है जो कि सेगमेंट में और किसी गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ओवरियम आप यहाँ से कंट्रोल या फिर एडजस्ट या फिर फोल्ड अनफोल्ड यहाँ से कर पाओगे। यहाँ पर दिया है टाटा की थोड़ी सी अलग पोजिशनिंग रहती है इसके ओवरियम कंट्रोल करने के लिए। सीट्स की डिजाइनिंग आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर पर्पल फिनिशिंग का टच देने की कोशिश की है क्योंकि तो इनका अभी का नई नेक्सॉन का नया कलर है पर्पल। वो पूरा इंटीरियर उसका पर्पल में आता है लेकिन यहाँ पर ये वाइट कलर में है, लेकिन यहाँ पर इंटीरियर का थोड़ा सा पर्पल कलर का टच देने की कोशिश यहाँ पर जरूर की है। हेडरेस्ट यहाँ पर एडजस्टेबल मिलेंगे आगे के भी और पीछे के भी। पीछे हालांकि दो हेडरेस्ट मिलते हैं लेकिन वो दोनों के दोनों एडजस्टेबल है आगे के और पीछे के। और ड्राइवर साइड सीट आपको हाइट एडजस्टेबल मिलने वाली है। फिलहाल ये पूरी ऊपर है। डिजाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है और अंडर थाई सपोर्ट के लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट दिया है आप देख सकते हो। और हाँ, डोर पे भी आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर जरूर दिया है जो कि पीछे से आने वाली गाड़ियों को सूचित करता है। इसके अंदर बैठते हैं और अंदर से जो भी चेंजेस टाटा ने किए हैं वो सारे अप्रिशिएट करने के लायक है। मतलब आपको मैं एक एक फीचर गिनवाता हूँ कि जो फीचर पहले मिसिंग था लेकिन टाटा ने अपडेट किया है अब की बार नेक्सॉन में। तो पहले तो मेरे पास ये चाबी है, चाबी में आपको दिखाना भूल गया। तो चाबी कुछ इस प्रकार की मिलती है। यहाँ पर लॉक का बटन है, अनलॉक का बटन है, फॉलो मी हेडलैम्प का है और बूट ओपनिंग के लिए भी बटन है। सेम चाबी है जो पहले थी, वैसे ही चाबी यहाँ पर मिलती है लेकिन जो चेंजेस है वो इंटीरियर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बटन है इसका स्टार्ट स्टॉप का। चलिए इसे ऑन करते हैं। इग्निशन ऑन हो गया तो पूरा आप यहाँ पर देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड प्लस इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन दोनों ऑन हो चुके हैं। टाटा मोटर्स का एम्बलम आ चुका है और यहाँ पर भी स्पीडोमीटर में यहाँ पर पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर प्रोवाइड किया है टाटा ने। और ये जो स्क्रीन है ये 10.25 इंच की टच स्क्रीन है, हार्मन कार्डन की है। इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों ही मिल जाएंगे आपको। और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर अब की बार बहुत प्रीमियम टच वाले यहाँ पर बटन्स दिए हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी के जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील करवाते हैं। और ये जो लोगो है स्टेयरिंग पे वो आप देखना कैसे, मैं अभी ऑन कर ऑफ करता हूँ इसे फिर से। और ये देखिए इसका स्टेयरिंग तो कुछ इस तरह से है। इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो यहाँ पर आ चुका है और टू स्पोक स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है जो कि दिखने में और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर टच करने में भी बहुत ज्यादा प्रीमियम फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पूरी आपको लेदर की फिनिशिंग ब्लैक कलर में मिलती है। थोड़ा सा यहाँ पर पर्पल टच यहाँ पर भी देखने को मिलेगा जो कि इंटीरियर के साथ मैच कर रहा है। और एयरबैग कुछ यहाँ पर दिया गया है तो कई लोग सोचते होंगे कि ये ग्लास का दिया है तो एयरबैग कहाँ है। तो ये एयरबैग यहाँ पर नीचे से अच्छे से बहुत सूझबूझ के साथ यहाँ पर प्लेस किया है जो कि आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं करने वाला इस कांच के साथ। पर जो वाइपर सिस्टम मिलता है वो पूरा ऑटोमेटिक है। वाइपर रेन सेंसिंग वाइपर्स यहाँ पर दिए गए हैं इसमें। एंड अगेन यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का भी फीचर यहाँ पर दिया गया है इसमें। जो देखने वाली बात है वो है इसका स्टेयरिंग व्हील का एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर टिल्ट एडजस्टमेंट है,
टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसमें नहीं दिया है, एंड जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो तो कमाल का है। यहाँ पर नेविगेशन वगैरह भी शो होता है, सारी गाइडेंस वगैरह यहाँ पर मिलती है, वार्निंग लाइट्स भी इसमें मिलती है। चलिए इसे एडजस्ट कहाँ से करोगे, तो आप यहाँ से एडजस्ट करोगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप इंफॉर्मेशन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी यहाँ पर इसमें दिया गया है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको शो हो रही होगी अभी। एंड्रॉइड टू एप्पल कारप्ले कनेक्टेड है कि नहीं, मतलब जो भी यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगी वो सारी आपको यहाँ पर भी शो होगी। चलिए इसके सेंटर में चलते हैं अब, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसके एसी वेंट्स का डिजाइन जो कि पहले था वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो टेक्सचर यूज किया है ना टाटा ने वो बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। मतलब मैं इसे फील कर पा रहा हूँ कि ये टेक्सचर थोड़ा सा 3D टाइप में दिया है। ऊपर आप देखोगे तो एयरबैग यहाँ पर भी मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है, टोटल इसमें 6 एयरबैग्स दिए है। रूफ इसकी पूरी की पूरी ब्लैक कर दी है, मतलब यहाँ पर टाटा ने कोशिश की है कि कस्टमर्स को कम प्राइस में प्रीमियम फील देना, लग्जरी फील देना। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि ऊपर पूरी रूफ यहाँ पर ब्लैक कर दी है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रही है। इसमें 6 एयरबैग्स यहाँ पर टोटल टाटा ने बेस वेरियंट से ही स्टैंडर्ड रखे है। आगे ट्विटर्स भी मिलेंगे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सनवाइजर में यहाँ पर कुछ नहीं है, टिकट होल्डर है। दूसरे साइड यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मिरर जरूर दिया है विदाउट लाइट्स है। ऊपर सारी गाड़ी के अंदर पूरी LED लाइट्स दी है, पीछे देखना पड़ेगा लाइट्स है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर आगे लाइट्स मिल जाती है जो कि LED में है। सनरूफ के बटन यहाँ पर मिल जाएंगे और यहाँ पर माइक भी दिया है। चलिए सनरूफ ओपन करते हैं, सनरूफ इसमें आती है, बड़ी सनरूफ तो नहीं आई लेकिन यहाँ पर छोटी सनरूफ जरूर यहाँ पर मिल जाती है। आप बड़ी सनरूफ इस पर एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सब 4 मीटर में आने वाली छोटी गाड़ी है। तो चलिए इसे बंद करते हैं, वन क्लिक में ही ये बंद एंड ओपन हो जाती है। ये हालांकि मैन्युअली बंद करना पड़ता है। अब सेंटर कंसोल में आप देखोगे तो सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है। और हाँ, इसके जो कैमराज लगे हुए हैं 360 डिग्री में, उसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर ये पूरा टच पैनल है, तो यहाँ पर मैं टच करूँगा 360 पे, तो यहाँ पर कैमरा क्वालिटी आप चेकआउट कर सकते हो। पूरे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, जो भी बारीक से बारीक चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। फ्रंट कैमरा में आप देखो, साइड में देख सकते हो आप, पीछे वाले कैमरा में आप देख सकते हो, या अभी ये बज रही है क्योंकि पीछे जगह नहीं है, तो पीछे बिल्कुल भी ये स्पेस नहीं है, तो ये वार्निंग दे रही है कि पीछे नहीं ले सकते आप। तो कैमरा क्वालिटी बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि गजब की यहाँ पर मिलती है। 3D व्यू भी आपको यहाँ पर मिलता है और 2D व्यू भी मिलता है। ये 3D व्यू आप देख सकते हो, मैं अभी ना इसके ओवरऑल को फोल्ड करता हूँ, देखते हैं यहाँ पर भी शो होता है कि नहीं। इसका व्यू भी पूरा चेंज हो चुका है, कैमराज इसके ओवरऑल पे लगे हुए हैं तो उसके कारण ये थोड़ा व्यूज यहाँ पर चेंज हो रहा है, लेकिन जो साइड का जो व्यू है वो कायम है, बरकरार है। चलिए इसे बंद कर दे, ये बचता रहेगा नहीं तो, ठीक है। तो इसमें एयर प्यूरिफायर भी आपको मिलने वाला है, जो कि इनबिल्ट है इसके अंदर, अलग से यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया ह्यूंडई की तरह। ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिल जाएगा। सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पर 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन है, इसमें DCA भी मिलता है, इसमें AMT भी मिलता है, आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर गियर बॉक्स इसका चूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको ऑटोमेटिक लेना होगा तो आप DCA में जा सकते हो, नहीं तो मैनुअल में ये बेस्ट है, क्योंकि इसका जो ऑटोमेटिक है वो थोड़ा सा जर्की रहने वाला है, आपकी राइड को थोड़ा सा जर्की बनाने वाला है। लेकिन जो DCA वर्जन नेक्सॉन का वो बहुत ज्यादा प्रीमियम, मतलब जो इंडियन रोड्स के कंडीशंस है उसके हिसाब से DCA को ट्यून किया है, तो आप जरूर इसके DCA वर्जन की तरफ जा सकते हो, ऑटोमेटिक आपको लेना है, नहीं तो इसका मैनुअल भी आपको निराश नहीं करने वाला, अच्छी खासी माइलेज ये भी देने वाला है। डीजल में लोगे तो 25 KMPL की माइलेज यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है, और अगर पेट्रोल में लोगे तो आप इससे 20 KMPL की माइलेज निकलवा सकते हो। तो सेंटर में ये जो पहले था इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सिटी स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, स्पोर्ट में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देगी आपको, पूरे के पूरे 118 BHP आपको स्पोर्ट मोड में देखने को मिलेंगे। बाकी इको मोड में ये बहुत अच्छा माइलेज निकाल के देगी, और सिटी मोड में तो ये मतलब बैलेंस रहेगी, मतलब माइलेज भी देगी और थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है सिटी मोड में। और यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया है, वायरलेसली आप आपके मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। हैंड ब्रेक आपको मैनुअल मिलने वाला है इसमें, इसको ऊपर करते हैं तो इसके अंदर भी आपको स्टोरेज मिलने वाली है अच्छी खासी। हाँ, ज़्यादा डीप तो नहीं है, लेकिन ये जो वायरलेस चार्जिंग पैड है इसके नीचे भी थोड़ी सी स्टोरेज आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है।
और ये जो हैंड रेस्ट है ना, ये एडजस्टेबल नहीं है, ये फिक्स रहने वाला है। और ये फैब्रिक फिनिशिंग के साथ है, सीट्स पूरी की पूरी इसमें फैब्रिक्स मिलती है। इसके ऊपर वाले जो वेरिएंट है उसमें आपको लेदर की सीट्स मिलने वाली है। फिलहाल ये तो सेकंड टॉप वेरिएंट है, तो यहाँ पर सारे फीचर्स मिल रहे हैं, लेकिन फैब्रिक की सीट्स जरूर यहाँ पर मिल रही है। अब चलिए इसके पीछे चलते हैं। उससे पहले यहाँ पर जो चार्जिंग पोर्ट्स है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 12 वोल्ट का यहाँ पर एक तो चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है आपको, आप देख सकते हो। उसके साइड में USB आउटलेट दिया है, और यहाँ पर 5 वोल्ट का 3 एम्पेयर का यहाँ पर टाइप सी पोर्ट दिया है मोबाइल चार्जिंग के लिए। अब चलिए इसके पीछे चलते हैं। तो इसका रियर डोर भी आप देख सकते हो, तो ये भी पूरा लेदर फिनिशिंग के साथ है, मतलब ये सॉफ्ट टच है पूरा। बीच वाला जो पैनल है ये सॉफ्ट टच है, ये हालांकि हार्ड प्लास्टिक में रहने वाला है। और पावर विंडो का कंट्रोल यहाँ पर दिया है, ये पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ ये पैनल मिलता है, जो कि देखने में एक प्रीमियम फील देता है। ट्विटर पीछे भी मिलते हैं और स्पीकर भी मिलता है पीछे। तो यहाँ पर जो हेडरेस्ट है ना वो एडजस्टेबल मिलते हैं दोनों के दोनों, और बीच में हैंडरेस्ट भी दिया है जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे दोनों साइड है, जो कि एक सेफ्टी में इसको बाकी गाड़ियों से ऊपर रखता है। यहाँ पर 3 जन बैठ पाएंगे, इतनी ये चौड़ी है, मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से यहाँ पर सीटिंग की गई है। 3 जनों के लिए आराम से जगह है, हालांकि तीसरा हेडरेस्ट यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर 3 जनों के लिए आराम से जगह हो जाएगी। पीछे यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे। नीचे 5 वोल्ट 2.4 एम्पेयर का यहाँ पर USB आउटलेट है, और यहाँ पर टाइप सी आउटलेट है 3 एम्पेयर का। मतलब पीछे के लिए भी दो, मतलब USB आउटलेट भी दिया है और टाइप सी आउटलेट भी यहाँ पर दिया है चार्जिंग करने के लिए। पीछे यहाँ पर कोई लाइट्स वगैरह नहीं देखने को मिलती, और ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, लेकिन जो हेडरेस्ट है वो यहाँ पर स्कूप दिया है। मतलब उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर देख सकते हो आप, ये स्कूप के कारण मुझे हेडरूम इसमें ज़्यादा मिल रहा है। और कुछ इस तरह से व्यू इसका मिलने वाला है आपको। यहाँ पर सनरूफ भी है, और नीचे कुछ इस तरह से इसका प्रीमियम इंटीरियर दिखाई देने वाला है। और फ्रंट सीट के पीछे यहाँ पर कोई पॉकेट्स वगैरह नहीं दी गई। ये जो डोर पैनल है पीछे वाले, यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर जरूर मिल जाता है। सेगमेंट में इसे कोई बीट नहीं कर सकता आज की तारीख में, क्योंकि ये बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी प्रोवाइड करती है। इसका बूट स्पेस रहेगा है, तो बूट स्पेस आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आपको बूट ओपन करने के लिए कोई भी बटन, रिक्वेस्ट सेंसर या फिर कुछ भी चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। आपको सिंपल एक तो चाबी से इसे खोलना पड़ेगा। तो इसका टेल गेट मैंने ओपन कर दिया है, तो यहाँ पर बड़ी पार्शल ट्रे देखने को मिलती है। और पार्शल ट्रे की भी क्या बिल्ड क्वालिटी है यार, बहुत ज्यादा मजबूत ये पार्शल ट्रे रहने वाली है। इसके ऊपर कितना भी भारी सामान रखो आप, इसे कुछ नहीं होने वाला। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर 382 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा, जो कि सेगमेंट में अच्छा खासा बूट स्पेस माना जाता है। और यहाँ पर लाइट दी है बूट के अंदर, और 12 वोल्ट का सॉकेट भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपकी कोई एक्सेसरीज वगैरह होगी तो वो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। बॉटल होल्डर भी यहाँ पर कुछ दिया है, इस तरह से आप कोई भी सामान यहाँ पर अटैच कर सकते हो। बाकी बूट स्पेस वाइज ये बहुत बड़ा बूट स्पेस है, मतलब अच्छा खासा बड़ा है। इसके अंदर भी आपको एक स्पेयर व्हील देखने को मिलता है, जो कि अगेन 195/60 R16 16 इंच का ही यहाँ पर टायर मिलता है, एक साइज छोटा नहीं मिलता। जो टायर लगे हुए 16 इंच के, उसी साइज का यहाँ पर टायर मिलता है, थोड़ा सा पतला है लेकिन रिम उसी साइज का है। ऊपर यहाँ पर भी अच्छे खासी ट्रिम वगैरह दी गई है, मतलब पूरी सेफ्टी यहाँ पर रखी गई है, पूरा पैक यहाँ पर किया है। चलिए इसे बंद कर दिया। उसका टेल गेट भी बहुत अच्छा खासा भारी है, और यहाँ पर टेल गेट खोलने के लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। टेल गेट खोलना हो तो अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बटन है किस तरह से इसका टेलगेट ओपन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC है, तो यहाँ पर बटन दिया है गाड़ी लॉक करने का और बूट ओपन करने का। तो बूट ओपन करते ही क्या एक सेफ्टी फीचर है इसका, मैं मानना चाहूंगा, क्योंकि ये गाड़ी में होना चाहिए, बाकी गाड़ी बाकी कंपनियां देती नहीं है। तो सुनना आप, एक तो हॉर्न बीप हुआ और टेलगेट इज ओपन प्लीज चेक, ऐसा वार्निंग भी देती है साउंड से, तो आप सतर्क हो सकते हो कि आपका टेलगेट किसी ने ओपन किया है या फिर गाड़ी का टेलगेट अभी ओपन है, आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। तो एक बहुत अच्छा सेफ्टी वाइज फीचर है जो कि टाटा अभी अपडेटेड गाड़ियों में दे रही है। तो आपको कैसी लगी नई वाली टाटा नेक्सॉन 2023 की? LED हेडलैम्प्स, 360 डिग्री कैमरा, नया 10.25 इंच का टच स्क्रीन जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस के साथ है, और इसका स्टेयरिंग व्हील खासकर कैसा लगा आपको? इल्यूमिनेटेड है, और इसके लुक्स कैसे लगे
फीचर्स कैसे लगे, सेफ्टी कैसी लगी, माइलेज कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हो। और वीडियो कैसे लगे आप जरूर शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ जो नेक्सॉन लेने में इंटरेस्टेड है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय।